हेलो एवरीवन भाई, आज आ चुके हैं एकदम ना खतरनाक वाली लोकेशन बहुत पे। खतरनाक, मतलब यहाँ की ऐसी लुक है ना कि मजा आ जाएगा। बंदे की ना हुंटेड हुंटेड तो छोड़ो, हुंटेड हुंटेड का तो छोड़ो, बंदे की वैसे ही फटके आते में आ जाए, इतना खतरनाक ओरा है यहाँ का। और आए कौन है? हम दो, हम बस दोनों आगे कोई भाई नहीं है अंदर, साथ में। बता देते जगह का नाम, दगसई सिमेट्री। चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जाते हुए एक रास्ता कटता है, एक कैंट का एरिया है, बेसिकली आर्मी का एरिया है। तो तो यहाँ पे सिमेट्री है, कब की है? अंग्रेजों के टाइम की है। 18s में, और यहाँ पे ना थोड़ा सा ना हम चाह रहे जल्दी चले जाए, बिकॉज ना क्योंकि पूरा यार जंगल ही जंगल है। जंगल तो ठीक है, जंगल है और आर्मी एरिया भाई, पूरा आर्मी एरिया भी है, रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, और जंगल ही जंगल है यार। जानवर वानवर कहाँ से आ जाए कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि जंगल है यार पूरा। बस प्रॉमिस किया था यार लास्ट वीडियो जो आपने देखी होगी कि हॉन्टेड वीडियो डलेगी, वहां नहीं गए तो यहाँ आएंगे, तो इसलिए यहाँ भाई आ आना गए हैं। पड़ेगा और हमें। बहुत रिक्स लेके आ रहा है अभी, बहुत चल ज्यादा यार एक बार रिक्स। दिखा देते घूम के, चलो फिर ठीक है स्टोरी ठीक बताऊंगा बाद में, पहले घूम के दिखा देते। है। हाँ तो भाई ये देख लो, ये कब्र है, ठीक है, उधर कब्र है, चारों तरफ कब्र ही कब्र है। ठीक है, मतलब अभी आपको दिखेगा नहीं, एक एक करके ना बैक कैमरे से दिखा दूंगा मैं यहाँ पे कितनी सारी कब्रें हैं। तो सबसे पहला काम तो भाई ऐसे एरिया में आते हैं ना, सबसे पहले हम तो ये देखते हैं भाई खतरा क्या है, जो जानवर का हमने बताई दिया। दूसरा काम ये है कि आपको गूगल टाइम दिखा देते हैं, गूगल टाइम, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आजकल कुछ फेक बच्चे हैं ना, 5-5 बजे जाके वो आ जाते हैं और फिर छोड़ो। इधर देख लियो भाई, सर्च मार, तो ये लिख दिया भाई इंडिया टाइम टुडे, ये हमारा सर्च टाइम देख लो भाई, 1:49 हो रहे 1:49। हैं। ठीक है, डेट भी देख लो, तो एक 26 मार्च। मिनट, स्क्रीनशॉट नहीं है ये भी दिखा देता हूँ, ये लगा लियो। स्क्रीनशॉट कैसे यार ले, एक बार फिर कर दूंगा काट के, स्क्रीनशॉट कहाँ से। पहली बात तो ना बताने की जरूरत नहीं है यार अपने सब्सक्राइबर्स को, उनका इतना ही विश्वास है कि हम, ये अरे लो 1:50 हो पचास गए हो ना गए, स्क्रीनशॉट पे, भाई मिनट तो चेंज नहीं होगी ना, 1:50 हो गए, इसका मतलब स्क्रीनशॉट तो नहीं है। चलो वो तो खैर हर बार भाई ज़रूरत नहीं यार एक्सप्लेनेशन देने की, चलो एक बार ना राउंड लगा लेते सिमेट्री का, फिर आराम से बैठ के आपको स्टोरी बताएंगे। तो यार लोकेशन दिखाने से पहले ना एक बात बता दूँ आपको। क्या बात? बात भाई ऐसी है, हमसे पहले ना आज तक कोई नहीं आया, एक्सप्लोरिंग इंडिया चैनल से पहले इस जगह पे कोई नहीं आया, यूट्यूब पे दिन वीडियो ही नहीं है दिन यहाँ दिन की। मेरे को तो दिन में भी एक आधे बंदे की दिखी थी बस, नाइट में तो मतलब ही छोड़ दो। तो भाई ऐसा करते हैं, जगह देखते कैसी हम भी और आप भी, तो चलो आ जगह जाओ। हाँ जबरदस्त है, हमें तो 1 नंबर की लगी, तो आपको भी 1 नंबर की लगेगी। भाई चलो दिखाते हैं। तो भाई एक कवर ये है, ये भाई किसी महारानी की कब्र लग रही है मुझे, मतलब काफी अच्छी चौड़ी लंबी चौड़ी बना रखी है ये तो। एक येरी और दूर दूर तक तो देख रहा, उंगली दिखा रहा, जिस उंगली से दिखा पॉइंट आउट कर अरे ये। भाई हाँ देखो ये बात ऐसी, यहाँ पे ना चारों तरफ, इधर देख पूरा ना लंबा चौड़ा एरिया है, चारों तरफ कब्रे ही कब्रे हैं। ठीक है मेरे भाई, और पहाड़ी एरिया, ढलान है पूरी, देखो नीचे की पूरी तरफ ढलान है एक कवर येरी और नीचे ढलान है यार पूरी। पहाड़ी एरिया में भाई, यही होगा। वो देखो ऊपर देखो, वो जो लाइटें दिख रही है सामने, वो शिमला है। हाँ मानोगे ये बात, शिमला है वो। क्या लाश ऐसे बड़े भाई साहब, अजूबे ठंड हो रही है यहाँ तरीके, बहुत तगड़ी, ठंड लग रही है और हाथों में। दूसरा डर लग रहा है जानवरों का, आर्मी वालों अरे का। जानवर के छोड़, एक चीज तो मैंने दिखाई नहीं, किस पे है? तेरे पे ही है। मीटर मेरे पे अः नहीं है मीटर, ये रहा, मीटर दिखा दे क्या भाइयों को, अबे कुछ राजेश भाई सरप्राइज दिखा देते हैं भाइयों को। कुछ आज लेके भाई आए सामान हैं, लेके आए अपना, जिसकी सबको डिमांड थी, EMF मीटर लेके आओ। अभी ऑन नहीं किया, ऑन कर इसे, ऑन है अबे ऑन है। मीटर को, ऑन करूं? लो ओ भाई मीटर को ऑन कर देते हैं, भाई साहब 5 बत्ती जला दे। अभी मीटर से नहीं चेक करवाएंगे, कब्रों के पास चल के चेक करवाएंगे, अभी तो थोड़ा साइड में आए हैं, हाँ भाई, कब्रों के ऊपर ले जाके चेक करवाएंगे। देखो लाइट जल रही है ना एक, ग्रीन तो EMF मीटर का सीन सबको पता ही है, जो हम क्वेश्चन पूछेंगे भूतों से कि कोई है तो इतनी बत्ती जला के इशारा दो, फलाना ढिमकाना, होगा तो कोई बता देगा भाई। चलो पहले तो स्टोरी बताते हैं आपको यहाँ की। हाँ। तो ये जो सिमेट्री है ना, ये है उस टाइम की बनाई हुई जब अंग्रेजों का कब्जा था इंडिया के ऊपर, यानी जॉर्ज 1947 से बहुत पहले की, 18th सेंचुरी की बनी हुई है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जितनी भी कब्रें ना वो सब अंग्रेजों की है, फीमेल मेल दोनों की। तो उस टाइम पे ना एक फैमिली हुआ करती थी, जॉर्ज और मैरी नाम से हस्बैंड वाइफ थे वो। एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है उसकी वाइफ, और जब वो 8th मंथ में होती है ना, तो वो औरत ना मर जाती है, तो उसका जो पति होता है ना जॉर्ज, उसकी उसकी बीवी का नाम होता है मैरी, वो उसके लिए ना एक ग्रेव बनवा देते हैं हाँ इसी यहीं पे। सिमेट्री में। ठीक है, तो उसने यहाँ पे कब्र बनवा दी। अब धीरे 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 हुआ क्या, तो भाई हुआ क्या, उसकी ग्रेव बनवाने के बाद ना लोगों ने अफवाह फैला दी कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होगी ना वो उसकी ग्रेव का टाइल तोड़ के ले जाएगी ना,
तो भाई उसको बॉय होगा, ये अफवाह यहाँ पर फैला दी। तो हुआ क्या राजेश उसके बाद? हुआ उसके बाद यही यार, मूर्खता इतनी फैली हुई है लोगों के अंदर अंधविश्वास को लेके, सबने सच मान लिए बातें, तो यही सीन है भाई। एक एक करके बंदे आते गए और पूरी टाइल तोड़ तोड़ के, थोड़ी थोड़ी तोड़ ले गए तोड़ के ले पूरी, जाते गए। ऐसे करते करते ना उसकी पूरी कब्र तबाह हो गई, खत्म ठीक ही है। कर दिया मतलब एक तरीके से उसकी ना कवर हटा दिया। एंड देन फिर अफवाह फैला दी कि जो मैरी थी ना वो उसकी अपने आत्मा भटकती आत्मा है, आत्मा यहाँ भटकती और जो आता है उसको हार्म करती है, ऐसा अफवाह फैला दिया। ऐसी ऐसी स्टोरी है। हमारा काम भाई स्टोरी हाँ बताना, बाकी स्टोरी देख का लें मैं कौन सी बता आत्मा दिया। आती है। अगर ये ट्रू स्टोरी है ना, मतलब घोस्ट की नहीं, वैसे ट्रू स्टोरी है कि ऐसी अफवाह फैली थी कि पत्थर तोड़ ले जाओगे तो वो हाँ बहुत बेकार था यार। छोड़ो और ये बॉय और गर्ल का तो यार छोड़ दो, अब पागलपंती है, पागल पढ़े लिखे लोग है। हो गए हैं लोग यार, तो गर्ल हो या बॉय हो तो बेबी है यार, कोई इतना तो बात नहीं, समझो। कोई बात नहीं, हम सेंटीन होएंगे, चलो भूत को पकड़ेंगे, चलो। चलो तो यार ऐसा है भाई, स्टोरी बता दी, कहाँ पे है लोकेशन, कैसी लोकेशन है वो बता दी। एक राउंड ले लेते हैं पूरा, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए और थोड़ा सा ना टाइम पास भी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, हुद्दू सा काम किया लोगों ने ये सब, जो बकवास स्टोरी है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं इस बारे में। अपना तो काम करते, घूमते देखते, कोई भूत बात दिख जाए तो आ जाओ। एक ये रिकवर भाई, एक ये पैसे वाले लोगों की कवर है जो बड़ी बड़ी है। ये भाई पूरे में कब्र गाड़ रखी है, ठीक है। और ये देखो इस पे ना, आ जा के आ जा, ये क्रॉस का साइन भी बना रखा है। हॉन्टेड तो नहीं है ये? हॉन्टेड यार हो सकती है भाई। एक ये देखो छोटी सी कवर दिख रही है वहां पे, देख रहे हो सामने कबर, एक वो कबर, एक एरा, एक एरी, तो मतलब यार बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है जगह, बहुत बड़े। और ना देख देख रहे हो नीचे की तरफ, ये ढलान जा रही है पूरी, नीचे की तरफ पूरी ढलान जा रही है। जगह देख ली ना भाई, एक नंबर की जगह यार जगह तो भाई, भाई एक मुझे नंबर तो क्या, एक नंबर ही लगे। मतलब जितने भी प्लेसेस हमने एक्सप्लोर किया ना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है ये, ठीक कुछ है। उसमें से कुछ ही प्लेस ऐसे हैं जो हमें पसंद आते हैं, जिसमें से एक ही है, ये एक नंबर की जगह आ गई, क्योंकि यार पता है नेचर क्यों, नेचर है यहाँ। नेचर है। अभी भी एक चीज और दिखाऊं, मेरे साइड में करियो, ये देखो ये भाई पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको चारों तरफ, नेचर है, ब्यूटी है। मीटर चेक करवा दे भाई एक हाँ बार, मीटर चेक करवा दे, आ जाओ यहीं कर ले, कबर है चारों तरफ। यहीं कर ले, बीच में चारों हाँ तरफ की कब्रों पे। लो भाई ये लाइट नीचे कर ली वाली अपनी, ठीक है। दिख एक रहा है चलती है ग्रीन बत्ती। हाँ ग्रीन जल रहा है ना भाई? हाँ तो हमने तो भाई यही सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है और वो हमसे कांटेक्ट करना चाहती है तो 4 बत्ती जलाओ, ठीक है, 5 बत्ती जलाओ, 3 बत्ती जलाओ, यार एक और और बत्ती अगर जला दो अगर अगर बस। उनको रिस्पॉन्स मिलता है ना तो फिर वो आगे बात करते हैं। तो देखते भाई, अगर हमें भी जो हम बोलेंगे उतनी बत्ती जलती जाएगी तो हम भी मान लेंगे कि हाँ भाई होता होगा। तो अभी 1 बत्ती जल रही है, दिख रहा है ना? हाँ प्रॉपर दिख रहा है, तो भाई अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे है, कैसी भी किसी भी तरह की नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी एनर्जी है यहाँ पे, तो 3 बत्ती जला दो बस, ठीक है, सिर्फ 3 बत्ती जला दो, एक बार जला दो बस, बार बार भी नहीं बोलेंगे, एक बार जला दो। नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। नहीं भाई। आगे कब्र के पास ले जाके दिखा दे एक बार, ये देखो भाई, ये देखो भाई, हॉन्टेड सिमेट्री, जिसका इंडिया में टॉप 3 में नाम आता है सिमेट्री में, ठीक है, टॉप 3 हॉन्टेड सिमेट्री में नाम आता है, उसके अंदर चलो देखते कब्र के हैं पास जाके फिर से पूछ लेता हूँ एक बार। अभी आशीष भी ट्राई कर लिया, क्या पता आशीष को रिस्पॉन्स दे दे। तो लाइट 1 बत्ती जल रही है, प्यार से पूछता हूँ एकदम, अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे है या कोई भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे है तो 4 बत्ती जला दो भाई। जला रहा नहीं यार, है? जल रही जलेगी नहीं यार, मतलब ही नहीं है, कोई होता ही नहीं भूत। एक बार तू भी ट्राई कर ले आशीष, मैं दूसरी दूसरी कब्र वाली के पास कर ले चलते हैं। आ जा पकड़ियो, आ जा, आ जा दूसरी कब्र के पास, आ जा एक नीचे बार, आ जाना, ये वाली बड़ी वाली पे जाऊंगा मैं। आ जा बड़ी वाली पे चल रहे भाई, तेरे को बढ़िया वाला भूत भी लगाएंगे, जो नहीं नाचता उसे भी नचाएंगे। बस पकड़, इधर है, इधर है, इधर है, फ्रंट फ्रंट इधर है भाई, थोड़ा इधर से आ जा, ये फ्रंट इसका। तो यार अभी ऑफ कर रखा है, पहले ऑन कर दूँ इसे, ये सारी जली एक साथ, अभी एक है भाई, ठीक है अभी कैमरे के पास लाऊंगा ना तो अभी एक नहीं है, होगी दिख रही है, आगे से, दिख रही है, दिख एक ही है। रही है ना, तो भाई ये रिकवर। तो भाई कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव एनर्जी कुछ भी है, कुछ भी किसी भी टाइप की एनर्जी है ना, तो इसकी एक और बत्ती जला दो, मुझे तीन चार नीचे मुझे एक और जला के दिखा दो, ये ग्रीन है ना,
हल्की एक एक आधी तो भाई जल भी जाएगी, मैं फोन पास मिला रहा हूँ ना। हाँ पता है क्या, देखो ये देखो ये नकली है, ये नकली वाला साइन था। ये नकली नहीं वाला साइन मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना, पता है क्या, रेडिएशन का काम है सारा। रेडिएशन का तो काम है ही है। और जो इस मीटर का असली यूज है ना, वो ये है कि जैसे हम पूछेंगे ना कि 3 बत्ती जला दो, तो उसी टाइम 3 जल जानी चाहिए। हम बोले 4 बत्ती जला दो, तो 4 जल जानी चाहिए, क्योंकि भाई रिस्पॉन्स तो तभी मानेंगे ना हम कि हाँ सच में कोई है। तो भाई ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा इसमें। देखो यार, मानने वाला तो ना अभी अफवाह उड़ा देगा कि एक्सप्लोरिंग इंडिया गए थे, बीच बीच में उनकी बत्ती जल रही थी। हाँ हाँ वो हम अपनी तरफ से अभी क्लियर कर रहे हैं कि भाई वो इसलिए जल रही थी क्योंकि मैं फोन की फोन पास में रेडिएशन ला का, रहा था। नेटवर्क की रेडिएशन भी हो सकती है भाई। और ठंड ना बहुत ज़्यादा लग रही है भाई, हाथ सुन पड़ गया मेरे तो, फोन और कैमरा पकड़ भाई के, इतनी बढ़िया कब्र के पास इतनी बढ़िया हमने, मशीन लेके खड़े हम और पूछ ले दो चार। यार। आ जाओ कोई भी है ना, किसी टाइप की एनर्जी यार, खड़े हैं थोड़ी बातचीत कर लो, हम बोर हो रहे हैं थोड़ा। तो भाई मुझे तो नहीं लगता राजेश इससे कुछ होगा। तो भाई थोड़ा ऐसा करते हैं राजेश, टाइम तो हो गया करीब, 3 बज गए हैं। 3 बज गए ना, कोई और बात नहीं है, भाई और घूम लेते यार तीन, थोड़ा, हाँ 3 बज गए। और भाई और ठंड भी घूम ना लेते बहुत हैं। लग रही है, सही बताऊँ तो आधा एक घंटा और रुकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर चलते हैं राजेश। कहाँ पहुंच गया कैमरा ये ये ना भाई इसलिए रखा हुआ है इस जगह पे, बिल्कुल ना धरती में रख दिया है, ताकि ना कितनी बड़ी बड़ी घास है ना इसका पता चल सके आपको। और भाई और एक बात और, जैसे जैसे सुबह हो रही है ना, वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है। ठंड बढ़ रही है, एक बार टाइम दिखा देते हैं यार, क्योंकि ये फाइनल अब हम जाने का सोच रहे हैं, ठंड हाँ काफी यार ज्यादा हो गई है। ये देख लो भाई, 344 344 और 344 के पीछे आशीष हाँ तो 344 हो गए यार, 15 मिनट में ऑलमोस्ट सुबह हो जाएगी। यहाँ से बाहर निकलते निकलते भी 4 बज जाएंगे, 4 बजे आप लोगों के भगवान जी का टाइम हो जाता है। तो भूत बात का तो मुझे लगा नहीं कोई सिस्टम यहाँ पे, भाई, सिस्टम कुछ नहीं है, जगह बहुत थोड़ा प्यारी इधर सी आ एक जा तरीके से। ना, तो वही नैंड लाइट। तो चलो भाई जगह ना काफी प्यारी थी, ऐसी बात नहीं, जगह बढ़िया नहीं है, जगह बढ़िया थी भाई राजेश। एक नंबर। ये यार ये घास ना मेरे मुंह पे आ रही थी, कोई नहीं, नहीं छप अब रही सही है। तेरी ब्यूटी ब्यूटी यार ब्यूटी दिखानी पड़ती है ऐसे थोड़ी ना। भाई पता, ठंड मुझे तो लग रही है हाथों में, और कहीं लग रही, इनमें लग रही है, बाहर है और ना ये, मुझे क्या हो रहा पता है नहीं क्यों नहीं लग रही, भाई, मुझे लगता है मुझे भूत का फील हो मुझे रहा यही नहीं समझ आ रहा है। इसको इतनी ठंडी क्यों लग रही है, अरे मेरे हाथ थोड़े क्या ठंडे हो इसका रहे मतलब और ये है कि आई एम टू हॉट। चलो यार खत्म करें भाई वीडियो तो को। भाई आज की वीडियो में यही था, वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी लगी है, लगी अच्छी क्या यार इतनी ऐसी तैसी भाई। करवा ली, कहाँ देखो जंगलों में आके बैठ गए आपको, आपके अगर लिए हम यहाँ नहीं आ पाते ना, अगर वो घर टूटता नहीं, सेक्टर 16 वाला ना, सेक्टर 16 वाला। 215 सेक्टर 16 चंडीगढ़, अगर वो घर सही होता ना तो उसमें वीडियो बनाते पक्का, क्योंकि उस पर हाँ बहुत बंदों के आए थे कि उसी पे वीडियो बनाओ, बट यार वो नहीं बनाए इसमें तो। एक बात बता दूं, उससे ना ये मान लो 100 गुना ज्यादा रिस्क है इस हाँ जगह पे ये है, वीडियो जो वहां हम तो बना रहे बहुत ना, आराम से वहां ना यूं बना देते हैं वीडियो यूं प्यार एक से, मिनट में, बट कोई यहाँ पर दिक्कत ही नहीं थी बहुत, यार, पूरा सिटी का एरिया कोई दिक्कत नहीं, कुछ बात भी हो जाए तो 50 बंदे खड़े रहते हैं। हाँ ये ऐसा जगह है भाई, कि भाई पूरा कुछ भी हो जाए। जंगल जानवर। तो भाई हमें अभी ना कोई लपेट के चले जाए जानवर बढ़िया सा, तो ना भाई सुबह तक क्या भाई, 4-5 यार दिन वो तक खा ही ना नहीं जाएगा, खा ही जाएगा जानवर खा जब ऐसा जाएगा, और होगा। किसी को पता नहीं चलेगा, गाड़ी बाहर की बाहर खड़ी रह जाएगी, बंदे ढूंढते रहेंगे गए कहाँ ये, चलो कोई पता नहीं है यार, खत्म करते हैं वीडियो को, भाई, क्योंकि खत्म अभी कर रहे तक तो हैं। जिंदा है। तो भाई आज की वीडियो में यही था, लाइक कर देना भाई इस वीडियो को, प्यार से और बता रहा हूँ। शेयर भी क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है भाई, हाँ और फर्स्ट भाई वीडियो है इस ये, सिमेट्री की इस ना, सिमेट्री की फर्स्ट हाँ वीडियो भाई। यूट्यूब पे, किसी ने नहीं डाली क्योंकि दम होना चाहिए भाई ऐसी जगाने का, ठीक है, तो हर भाई किसी में नहीं होता ना दम। लाइक कमेंट शेयर बढ़िया से करना, और बताना वीडियो कैसी लगी, और व्हाट्सएप नंबर तो है ही आप दो लोगों पे। दो हाँ 3 दिन में ये वीडियो लाख से ऊपर चाहिए, क्योंकि अब टारगेट बना लिया, हर वॉन्टेड वीडियो लाख से ऊपर चाहिए भाई और अपन। एक बात और भाई, तुम यार तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा, हाँ और एक फैमिली तो तुम और, ही हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एक्सप्लोरिंग इंडिया के नाम से, और बाकी पर्सनली हमसे बात करनी हो तो हमारे पेज को फॉलो कर सबके लिंक लेना, डिस्क्रिप्शन तुम्हें में मिल है। जाएंगे। चलो बाय 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 बाय। बाय।